नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित गुप्ता स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं NIOS क्लास 12th की इकोनॉमिक्स का TMS सॉल्व, जो कि सेशन 2024-25 का, यानी जिन भी स्टूडेंट का एग्जाम अप्रैल 2025 या अक्टूबर 2025 में होने वाला है उनके लिए ये TMA है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे TMA कैसे बनाना है, कब सबमिट करना है, कहाँ सबमिट करना है और TMA कितने मार्क्स का होता है और पासिंग क्राइटेरिया। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और अदर सब्जेक्ट के भी हम TMA के सॉल्यूशन लेकर आने वाले हैं, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो बात करते हैं सबसे पहले कितने मार्क्स का आखिर आपका TMA होता है। तो 20% होता है आपका थ्योरी का, कोई भी सब्जेक्ट हो उसका 20% थ्योरी सब्जेक्ट का जो है आपका TMA होता है। मीन्स कि अगर कोई सब्जेक्ट 80 मार्क्स का है, आप उसका थ्योरी है तो उसका एग्जाम 16 मार्क्स का है, और 100 मार्क्स का है तो उसमें 20 मार्क्स का TMA है। ठीक है, अगर 80 मार्क्स का है तो 16 में से मार्क्स मिलते हैं, और अगर 100 मार्क्स का होगा तो 20 में से मिलेंगे। यानी कि जो इकोनॉमिक्स है आपका, ये थ्योरी सब्जेक्ट है, इसमें प्रैक्टिकल नहीं होता, तो इसमें आपको 20 में से मार्क्स मिलेंगे। बाकी जो आपका 100 मार्क्स का जो एग्जाम होगा उसको कन्वर्ट करके 80 में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, 100 को 80 में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और ये 20 में से जितने भी मार्क्स आएंगे वो इसमें ऐड कर दिए जाते हैं। बात करें पासिंग मार्क्स की, तो आपको इस 80 में से 26 मार्क्स लाने होते हैं पास होने के लिए, और इस 20 में से 7 मार्क्स जो है आपके इसमें ऐड कर दिए जाते हैं। तो 7 से ज़्यादा मार्क्स आपको नहीं दिए जाते हैं, 33% आपके पासिंग मार्क्स है। अगर आपने TMA सबमिट नहीं किया है और आपके 26 मार्क्स आते हैं या 27 मार्क्स भी आते हैं तो आप फेल कंसिडर किए जाओगे अगर आपने TMA सबमिट नहीं किया है। मान लीजिए अगर आपके 15 मार्क्स आ जाते हैं, या 18, मान लीजिए 18 मार्क्स आ जाते हैं और TMA में आपको 19 मार्क्स मिल जाते हैं, तो टोटल आपका हो जाता है 37। ठीक है, 19 थोड़ा सही से बना देता हूँ मैं, तो 37 टोटल होता रहा, लेकिन आप फेल कंसिडर किए जाओगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका ये वाला क्राइटेरिया, ये 26 वाला क्राइटेरिया है, ये फुलफिल नहीं हो रहा। यहाँ पे आपके 26 मार्क्स होने चाहिए जो कि नहीं है, यहाँ पे आपको 19 मार्क्स दिए गए हैं 20 में से, इसका कोई फायदा नहीं है। इसमें से सिर्फ और सिर्फ 7 मार्क्स इसमें प्लस किए जाएंगे पास करने के लिए। मार्क्स जो आएंगे आपके 37 ही होंगे, लेकिन आपको पास कंसिडर नहीं किया जाएगा, इसमें से सिर्फ 7 मार्क्स इसमें डाले जाते हैं। ठीक है, और उन दोनों को मिला के आपके 33% होने चाहिए, यानी आपके 26 से ऊपर मार्क्स आपके होने चाहिए और आपने TMA सबमिट करा हुआ होना चाहिए अगर आपको पास होना है। तो अब बात करते हैं पासिंग क्राइटेरिया की, सॉरी पासिंग क्राइटेरिया तो हो गया, लास्ट डेट की बात करते हैं। TMA सबमिशन की लास्ट डेट क्या है और कैसे बनाना है और कहाँ पर सबमिट होगा? तो देखो, TMA जितने भी आपके सारे ऑनलाइन सबमिट होते हैं आपके डैशबोर्ड पे, आपको स्टूडेंट लॉगिन करना होगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस लिंक पे क्लिक करना है, अपना लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको वहां पे सबमिट कर देना है। सबमिशन जो है दिसंबर में स्टार्ट होगा, जो बच्चे अप्रैल में एग्जाम देने वाले हैं और जो बच्चे अक्टूबर में एग्जाम देंगे उनके लिए जून में स्टार्ट होता है। लास्ट डेट की बात करें तो लास्ट डेट 31 जनवरी जो है अप्रैल वाले स्टूडेंट के लिए होती है, और 31 जुलाई अक्टूबर वाले स्टूडेंट के लिए होती है। तो इन डेट से पहले आपको अपना TMA सबमिट कर देना है। कभी कभी ऐसा होता है डेट को एक्सटेंड कर दिया जाता है, लेकिन हर बार नहीं होता ऐसा। तो इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, 31 जनवरी से पहले और 31 जुलाई से पहले पहले अपना TMA सबमिट कर देना है अक्टूबर वाले और अप्रैल वाले स्टूडेंट को। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपके TMA के मार्क्स नहीं लगेंगे, यानी फ्री फंड के 20% मार्क्स आपके डिडक्ट कर दिए जाएंगे। प्लस में आपका जो, अगर आप बाद में सबमिट करने जाते हो तो 1500 पर सब्जेक्ट जो है आपको लेट फीस फाइन पे करना पड़ेगा। अब बनाना कैसे, उसकी बात करें तो A4 साइज की आपको शीट्स लेनी है, उस पे आपको लिखने हैं सारे आंसर और उसका PDF बनाना है। PDF 5 MB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। PDF के लिए आप प्ले स्टोर से कोई भी ऐप या ऐप स्टोर से कोई भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आपका PDF 5 MB से ज़्यादा का होता है तो आई लव PDF करके एक वेबसाइट है जिसपे आपको कंप्रेस PDF सर्च करना है और वहां से आपको कंप्रेस कर लेना है, यानी उसको साइज जो है छोटा हो जाएगा, उसके बाद आपको अपलोड कर देना है। अपलोड करते टाइम
अगर आप देखो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो भी आप इंग्लिश मीडियम में कर सकते हो, लेकिन जब आप अपलोड करो तो उस हिंदी मीडियम को इंग्लिश मीडियम आपको सिलेक्ट कर लेना, अदरवाइज आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, बिना टाइम वेस्ट करे, ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेंदी वीडियो हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 1, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 to 60 वर्ड्स। 40 to 60 वर्ड्स में आपको आंसर देना है। ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसका हमने ए पार्ट करा, आपको 2 पार्ट करने होते हैं, एक पार्ट हमने करा है। और पेन की बात करें, कौन सा पेन किसका इस्तेमाल करना, तो ब्लू और ब्लैक पेन के अलावा आपको कोई और पेन इस्तेमाल नहीं करना है, रेड कलर का पेन आपको इस्तेमाल नहीं करना। जो पोर्शन मैंने ब्लैक से लिखा है वो आप ब्लैक से लिखेंगे, जो ब्लू से लिखा है वो ब्लू से लिखेंगे। अब तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 भी जो है हमारा 2 मार्क्स का है, इसका भी हमने ए पार्ट करा हुआ है। बोला है आपसे कि प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या अंतर है, तो दोनों को यहाँ पे लिख दिया गया है। प्राइमरी डाटा खुद जाके लिया जाता है, ज्यादा रिलायबल होता है, ओरिजिनल होता है और पहली बार लिया जाता है, लेकिन ये हाई कॉस्ट होता है और टाइम भी लगता है। लेकिन सेकेंडरी डाटा जो होता है वो दूसरों की तरह कलेक्ट किया गया होता है, दूसरों के द्वारा। सपोज जो प्राइमरी डाटा है उसी को कोई और बंदा यूज कर रहा था, वो सेकेंडरी डाटा में आ जाएगा। और हो सकता है काफी बार वो पुराना डाटा जो है वो लेते टाइम अभी, मतलब जब दूसरा बंदा यूज करे तो लेस एक्यूरेट हो जाता है, काफी बार ऐसा देखने को मिलता है। अब मैंने, आपने ये भी गली में भी देखा होगा, आपने किसी दोस्त को या गली में या कहीं पे भी आप किसी को कोई चीज बताओगे, आगे जाके वो थोड़ी और चेंज हो जाएगी, फिर वो किसी और बंदे को बताएगा थोड़ी और चेंज हो जाएगी। तो इस तरीके से जो है डाटा का एक्यूरेसी जो है उस पर थोड़ा, मतलब उतना एक्यूरेट नहीं रहता, इसमें डाटा पहले से ही रहता है और इन्वेस्टिगेटर यूज करता है उसको, और इसमें कम टाइम और पैसा लगता है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है, हमारा आंसर है एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 to 60 वर्ड्स। इसमें भी आपको 40 to 60 वर्ड्स में आंसर देना है। ये भी आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ए पार्ट हमने इसका भी करा हुआ है, आंसर इसका आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा सब्जेक्ट का आपको टीएमए चाहिए वो भी कमेंट जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है आपका, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। वर्ड लिमिट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो इसका ए पार्ट जो है न्यूमेरिकल था। अगर आप ए पार्ट करते हो, मैंने एक वीडियो बना रखी है जहां से आप डाउनलोड कर सकते हो टीएमए, तो अगर आप ए पार्ट करते हो तो आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन में वर्ड लिमिट का कोई वो नहीं है कि आपको कितने भी वर्ड आ सकते हैं। लेकिन अगर आप, जैसे मैंने बी पार्ट करा, तो उसमें वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है, 100 से 150 वर्ड्स के बीच में ही आपका आंसर होना चाहिए, यानी 1 पेज या 1.5 पेज का आंसर आपका होना चाहिए। चलिए यहाँ पे आ जाता है आपका, इसमें आपसे पूछा हुआ है, स्टेजेस पूछे हुए हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट आ जाता है आपका कलेक्शन ऑफ डेटा, सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, थर्ड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, फोर्थ एनालिसिस ऑफ डाटा, और फिफ्थ जो है इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। तो ये आपके 5 पॉइंट्स आ जाते हैं, 5 पॉइंट्स को आपको एज इट इज उतार लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, तो इसमें बोला आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। तो इसमें भी आपको 100 से 150 वर्ड्स में आंसर देना है। ए पार्ट हमने इसका भी करा हुआ है, जस्टिफाई करनी है स्टेटमेंट को हमें, तो यहाँ पे आपको इसका आंसर देखने को मिल रहा होगा, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, एक पैराग्राफ आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसके बाद नेक्स्ट 2 पैराग्राफ आपको दिख रहे होंगे। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, मैं स्क्रॉल करते जाऊंगा, जैसे दिया गया आपको एज इट इज बना लेना है। इसका हमने ए पार्ट करा हुआ है, प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चन होता है, तो ये थोड़ा लेंदी हो सकता है, इसमें पिक्चर्स वगैरह लगानी कंपलसरी होती है। तो इसका जो पहला पार्ट है उसमें आपको कवर फोटो लगाने के लिए बोलिए, तो आप अपने अकॉर्डिंग कहीं से भी कैसा भी बना सकते हैं। अगर आप पीडीएफ लेंगे तो उसमें आपको ये बना हुआ मिलेगा, और आप अपना खुद का भी बना सकते हैं। तो प्रिपेयर फॉर NIOS, NIOS के लिए हमने बनाया है, और प्रिपेयर्ड बाय कौन बना रहा है अपना नाम यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है, या आप ये PDF में से भी प्रिंट करके लगा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एक्नॉलेजमेंट, ये आपको नेक्स्ट पेज पे लिखना है। ठीक है, अगर आप प्रोजेक्ट बेस्ड आंसर करेंगे तो ये आपको नेक्स्ट पेज पे करना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, उसके बाद उसके नेक्स्ट पेज पे आपको, और यहाँ पे एक चीज और मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, जब आप एक्नॉलेजमेंट लिखेंगे तो यहाँ पे टीचर्स नेम, तो आपके स्टडी सेंटर के कोई भी टीचर, किसी भी टीचर का नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा, या अपनी मर्जी से मेरा नाम लिख दीजिएगा, जिसका भी आपको नाम अच्छा लगे आप उनको का नाम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं एक्नॉलेजमेंट में। ठीक है,
उसके बाद ऑब्जेक्टिव आ जाता है। ऑब्जेक्टिव में आपको ये 4 पॉइंट्स उतार लेने हैं और उसके बाद आपको वेरियस प्रोग्राम्स जो बोले थे वो आपको लिखने हैं कि 2000 सन 2000 के बाद वाले जितने भी प्रोग्राम्स है, तो जो जो प्रोग्राम्स है उनका एम, टारगेट और अचीवमेंट, क्या अचीव किया उन्होंने, क्या ऑब्जेक्टिव था उसका और टारगेट क्या था। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट मारते हुए चलिएगा। ठीक है, इसका फिफ्थ पॉइंट आ जाता है। उसके बाद कंक्लूजन को चाहे तो आप इसी पेज पे लिख सकते हैं या नेक्स्ट पेज से आप लिख दीजिएगा। वैसे यहाँ पे पेज एंड कर देना है आपने, नेक्स्ट पेज से आपको कंक्लूजन उतार देना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से जो है आपको टीएमए बनाना है। आंसर आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप हमें व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर कमेंट भी कर सकते हैं। हमारा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और लिंक भी मिल जाएंगे, तो फटाफट से हमें फॉलो करिए इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट सारी मिलती रहे और आपकी कोई भी अपडेट छूटे ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, हैव अ नाइस डे, स्टे ट्यून विद एडो सेंटर दिल्ली।